मतलब क्या बताएगा रे, मेरा 3.5 महीने का पैसा रोकेगा, रख मेरी तरफ से दान है तुझे, और क्या बताएगा मेरे को, तू सीरियल से निकालेगा, आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रोन आउट इन प्रेगनेंसी, और क्या करेगा मेरे का, तेरा कंटिन्यूटी का शूट रुका है ना, मेरे को बुला, मैं आके पूरा फ्री में करती हूँ। डिफेंस जो कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है, जब वो मेरे सामने आएंगे एक लाइन में उन लोगों को बोलूँगी उनके पैरों तले जमीन पे कटने वाली। मैंने सोहेल को व्हाट्सएप पे ड्राफ्ट भेजा, अगर मुझे करना होता तो मैं उसी दिन इनको FIR कर देती और यू नो लेट बाकी सब कर देती, लेकिन मैंने फिर व्हाट्सएप पे ड्राफ्ट भेजा कि मेरे को नहीं करना, मेरे को इनके लिए भी नहीं करना, आई एम ग्रेटफुल टुवर्ड्स देम एंड आई एम इन अ वेरी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वेरी यू नो कर्मा कॉन्शियस, तो इनका जजमेंट करने मैं नहीं बैठी हूँ, भगवान है जिसको जो करना होगा। आई एम प्रेइंग फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ एवरीवन, एवरी सिंगल डे मैं उनसे अभी भी दिल से यू नो माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसके लिए मुझे माफ करना चाहिए। डिफेंस करने की बात कर रहे हैं, वो डिफेम देखते हैं, टाइम विल टेल, ट्रूथ विल कम आउट कि क्या होगा, क्योंकि मैं डिफेम जो कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है, जब वो मेरे सामने आएंगे एक लाइन में उन लोगों को बोलूंगी उनके पैरों तले जमीन पे कटने वाली, जो डिफेम करने की बात कर रहे हैं, देखिए ना कैसे डिफेम करते, क्योंकि उनको एक एक जन को मालूम है, एक एक जन को मालूम है, उन्हें एक एक लफ्ज सही बोला है, जतिन सोहेल आशीष जी एवरीवन नोज एवरी सिंगल वर्ड आई हैव रिटन इन द ड्राफ्ट इन द नोटिस, क्योंकि 4 अप्रैल को मैंने ड्राफ्ट भेजा था, 6 अप्रैल को उन्होंने मेरे को वापस धमकाने का ईमेल भेजा कि आई एम ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट मनी, मैं तो मेरा पैसा नहीं मांग रही हूँ, आपको एक्सटॉर्ट मनी क्या। देन फाइनली 8 अप्रैल को मैंने नोटिस भेजा, जो सब गवर्नमेंट अथॉरिटीज और आशीष जी सोहेल जतिन को मैंने पूरा ऑफिशियल नोटिस भेजा साइन करके कि ऐसा ऐसा है, ये सब मेरे प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगा अभी ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब ये वो शांत क्यों रहे। 8 अप्रैल को मैंने भेजा, अभी उनका जो पुलिस स्टेशन में जो रजिस्टर हुआ है दैट स्टार्टेड ऑन 8 मई, तो 8 अप्रैल से 8 मई तक ये शांत क्यों थे, तब इनने क्यों नहीं बोला मुझे टर्मिनेट किया गया, तब इनने क्यों नहीं बोला ये डिसऑर्गेनाइज है, इनडिसिप्लिन है और हम ये काम ठीक से नहीं करती है, तब क्यों नहीं बोला। जब वो बात पब्लिक में आई, जब वो बात बॉम्बे टाइम्स में आई, जब वो दूसरे न्यूज़ में आई, आई एम वेरी थैंकफुल टू मीडिया हु इज़ जस्ट टेकिंग आउट द ट्रुथ, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ जो फालतू जो कुछ चैनल्स हैं जो इस तरीके की बातों को बढ़ा रहे हैं कि आशीष जी ने मेरे साथ यौन संबंध बनाए, ऐसा कुछ नहीं है, आशीष जी ने ओनली वर्बल चीज़ें बोली, तो प्लीज़ बिना मतलब कि किसी की यू नो गरिमा को भी ठेस मत पहुँचाइए और सही बात को आगे बढ़ाइए, हाथ जोड़ती हूँ। सो अभी पुलिस स्टेशन में जैसे ये नोटिस पहुँच गया है, बिकॉज आई एम नॉट इन मुंबई, इसके ये जो भी FIR करना है वो मैं मुंबई जब जाऊँगी तब करूँगी, बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द सेम, एंड मुझे कलेक्ट्रेट से लेटर आया है कि दे आर लुकिंग इन टू द मैटर, दे हैव रजिस्टर्ड इट, जो भी उनका जो मुझे इतना समझ में नहीं आता लीगल क्या है, वो दे हैव रजिस्टर्ड इट, तो अब आगे क्या होगा देखते हैं। और वो जो मुझे बोल रहे हैं वो मुझे डिफेम करेंगे एंड एवरीथिंग, वो देखते हैं कहाँ करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है मैंने एक लफ्ज भी झूठ नहीं बोला, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज नॉट फॉर मनी, दिस इज जस्ट फॉर ट्रुथ एंड विक्ट्री, मैं ये अपॉलोजी के लिए कर रही हूँ। उन लोग को ये बात माननी होगी कि उन्होंने ये किया है, वो तीनों ने, उन लोगों को हाथ जोड़ के मुझे बोलना पड़ेगा कि जेनी सॉरी ये हमने किया है, बिकॉज यहाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात। मेरे ब्रदर की यू नो डेथ हो गई, एंड फिर आशीष जी ने मुझे ऑफिस बुलाया, उन्होंने मुझे ऑफिस आने के लिए बोला, मैं गई तो मैं रो रही थी काफ़ी, क्योंकि बहुत ऐसी हालत खराब थी, तो आशीष जी ने सोहेल को बुलाया और आशीष जी ने बोला कितने दिन ये नहीं एबसेंट थी, तो मैंने बोला कि आशीष सोहेल ने बोला कि 7 डेज, तो आशीष जी ने बोला इनको 7 डेज के पैसे दे दो, मतलब फ्री में दे दो, इनने काम नहीं किया तो। एंड मैंने आशीष जी के पैर छुए, मैंने बोला मैं बहुत रोई, मैंने उनके पैर छुए, सोहेल भी वही था। आफ्टर दैट मुझे 2 बार सोहेल ने टॉन्ट मारा, इनका भाई मारा ना पैसे हमने दिए, इनका भाई मारा ना पैसे हमने दिए। आई वाज टेकन अबैक कि क्या है यार, क्या ह्यूमैनिटी है, मतलब मेरा भाई मर गया, आपको उसकी वो तो चलो आपको क्या करना है, बट आप उसके लिए बार बार सुना रहे हो। एंड आशीष जी ने उसके बाद नेक्स्ट मतलब नवंबर था ना, अक्टूबर नवंबर, और नवंबर में मुझे 5 दिन काम करा के वो पैसे वसूल के, मतलब 5 दिन मुझे से बुलाया। कमिंग टू अब जो मेन इंसिडेंट हुआ है 7th मार्च 2023 को,
कि मैंने 6 मार्च को मेरी डायरेक्टर को बोला था कि 6 मार्च की मेरी एंट्री है एंड होली है, अपनी जो दुल्हन भी है मुझे हाफ देखनी है। तो मैंने मतलब मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर को बोला था, तो उसने बोला कि हाँ मैम हो जाएगा, मैं हर क्षेत्र से बात करता हूँ। तो फाइनली मैं जतिन जो है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, उनको बोलने गई कि ऐसे था कल मुझे हाफ डे चाहिए है, नहीं होगा तो 2 घंटे भी मिलेगा तो चलेगा। तो जतिन को जैसे मैं बोलने गई तो ऐसा क्या मतलब जाओ अभी टाइम नहीं मिलेगा। एंड शाम को उसने पैकअप के टाइम पर मुझे बोला कि कल आपका 7 o'clock फर्स्ट शॉट, मतलब 7 o'clock मुझे पहुँचना पड़ेगा। तो मैंने 7 o'clock तो मैंने ऋषि की तरफ इशारा किया, तो ऋषि ने बोला डोंट वरी मैं कर लूँगा आपको छोड़ दूंगा जल्दी। तो ऋषि को मैंने बताया हुआ था कि मेरी मेरे को एनिवर्सरी इंपॉर्टेंट नहीं, मेरी बेटी के साथ 2 घंटे होली खेलना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माय लाइफ, क्योंकि साल भर होली के लिए रख सकती है। 11 से 1 बजे हमारे यहाँ होली होती है। तो ऋषि ने बोला हाँ हाँ कर दूंगा। 7 मार्च को ऐसा टाइम निकलता गया, ऐसे समझ में आया वो कर ही नहीं रहे। मैंने हर्षित सर को फोन करके बोला, बोले हाँ तुम आ जाओ दूसरे सेट से, देखते हैं अपन करते हैं क्लोज। फाइनली उन लोग नहीं कर रहे थे। मैंने बोला कि सर, हर्षित सर को बोला मैंने कहा सर आप मेरा क्लोज ले लो। उन्होंने बोला आप तुम्हारे 8 आर्टिस्ट रेडी, एक जन का ट्रैक कुछ फट गया है, एक जन दूसरे फील में। मैंने कहा सर मेरा क्लोज ले लो। तो बोले नहीं नहीं चलेगा, तो 2 शॉट ही चाहिए मुझे। मैंने कहा सर आप क्लोज छोड़ दो मेरा, मैं कौन सा जेठा लालू कि आप मेरा क्लोज एक नहीं लोगे, जरा सा तो फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं कर सकते। मैंने कहा सर मेरे को कल सुबह 7 o'clock फर्स्ट शॉट बुला लो। नहीं चलेगा। मैंने कहा सर अभी 11 बज रहा है, आप मेरे को, मैं आपको 2 बजे आके मिलती हूँ। नहीं चलेगा, हर चीज़ नहीं चलेगा। और उसके बाद मैं रूम में गई तो मुझे पता चलता है 4 आर्टिस्ट के एडजस्टमेंट है, इसको छोड़ दिया गया, इसको छोड़ दिया गया, इसका यू नो बाकी सब मेल आर्टिस्ट का एडजस्टमेंट है। तो मैं मेरा क्यों नहीं, मेरे 2 घंटा 15 साल काम करने का, मेरे 2 घंटे में मेरी बच्ची को नहीं दे सकती, इतना आप नहीं कर सकते। फाइनली मैंने मेरे हस्बैंड को फोन किया, मैंने कहा मेरे को नहीं सहन हो रहा है। तो उन्होंने बोला आ जाओ। मैंने कहा इन लोग मेरा 3.5 महीने का पैसा रोक लेंगे। बोले रोक लेंगे। मैंने कहा इन लोग मेरे को निकाल देंगे, रिप्लेस करेंगे। बोले कर ले दो, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी पीस और हैप्पीनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट, सो माई हस्बैंड इज माई बिगेस्ट सपोर्ट। मैं निकलने लगी तो जतिन आ गया, उसने मेरी कार के सामने ऐसे करके उसने रोक लिया, मेरी कार के पीछे खड़ा हुआ, मैं रिवर्स करने लगी तो वो ऐसे करके रोकता रहा। तो मैं उसको बोली जतिन जाने दे। तो उसने कार के मतलब मैं गाड़ी पीछे करने लगी तो बहुत देर तक वो शायद सोहेल को फ़ोन कर रहा था। तो उसने बोला लो सोहेल भाई से बात करी, तो सोहेल फ़ोन पे था। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, मैं उसको 2-4 चीज़ें बोली, बोले आप रुको मैं आता हूँ। मैंने कहा सोहेल इज ऑलरेडी 11:45, मेरे घर में पहुँचते पहुँचते 12:30 हो जाएगा, होली खत्म हो जाएगी, मेरी बच्ची के साथ मुझे होली खेलनी है। बोले नहीं नहीं ऐसा है वो करके। मैंने कहा मेरे को जाना है। मैंने कहा जल्दी दरवाज़ा खोल, नहीं तो मैं तोड़ दूँगी। एंड ऐसे करके उनको दरवाज़ा खोलना पड़ा। मैं बाहर निकली हूँ और सोहेल आया है, और सोहेल ने आके मेरा दरवाज़ा खोला, जोर से बोला क्या नाटक कर रही हो, क्या नाटक कर रही हो, अभी बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। तब मेरी शक्ति मतलब क्या बताएगा रे, मेरा 3.5 महीने का पैसा रोकेगा, रख मेरी तरफ से दान है तुझे, और क्या बताएगा मेरे को, तू सीरियल से निकालेगा, आई हैव ऑलरेडी बीन रिप्लेस थ्रोन आउट इन प्रेगनेंसी, और क्या करेगा। मैंने कहा तेरा कंटिन्यूटी का शूट रुका है ना, मेरे को बुला, मैं आके पूरा फ्री में करके जाऊँगी। तो वहाँ उसका ये हुआ कि इसके पास लिए तो मेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं है। उसने जोर से मेरा कार का दरवाज़ा बैंक किया, ऐसा CCTV फुटेज में है, उसने मेरे कार का दरवाज़ा बैंक किया, उसने बोला गेट आउट 4 बार चिल्लाया और बोला कि इनको रिप्लेस करो। आफ्टर दैट मैं मुझे लगा शायद ये बुलाएंगे या फ़ोन करेंगे, इनका कोई भी इनका इनकी तरफ से ये फ़ोन नहीं था। एंड 24th of March, ये 7th मार्च की बात है, 24th of March को सोहेल ने मुझे व्हाट्सएप पे एंड ईमेल पे मुझे एक लेटर भेजा था, हमारे यहाँ के मेकअप मैन हेयर ड्रेसर और ये सब का नुकसान हो रहा है और 1 हफ्ते के अंदर आपका जवाब चाहिए है, इसका जवाब दीजिए नहीं तो हम आपको टर्मिनेट करते हैं। जो उन लोग बोल रहे हैं इन्होंने मेरे को टर्मिनेट किया है, तो वो टर्मिनेट दिखाएं आप कहाँ है वो लेटर है, वो टर्मिनेट कर देंगे करके लेटर था। एनीवेज मैंने उनको 4 मार्च को सिर्फ व्हाट्सएप पे ड्राफ्ट भेजा कि रिप्लाइंग ये 15 साल का हरासमेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार हर चीज़ में दबा रहे हैं, मैं कुछ बोल नहीं रही, मैं शांति से घर में बैठी हूँ। मैंने वो सोचा चलो गया सीरियल जाने दो, रिप्लेस करेंगे जाने दो, देखी जाएगी। अब आप मैं घर पे बैठी, उसके बाद आप मेरे को लेटर भेज के आप मेरे को डरा रहे हो कि हमारे ये पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यहाँ अब 3.5 महीने का पैसा नहीं देना चाहते। तो मैंने बोला कि ओके मैंने इनको सिर्फ व्हाट्सएप पर ड्राफ्ट भेजा, जिसके थ्रू इन्होंने मंदार से मुझे फ़ोन कराया। सोहेल ने मंदार को फ़ोन किया क्योंकि मंदार इज़ माई क्लोज फ्रेंड, तो मंदार को फ़ोन किया। मंदार ने मुझे रात 4 साल में 4 फोन नहीं किए जिसने रात से लेके सुबह तक मुझे
आठ दस फोन किए और कितने मैसेजेस भेजे, वो सब मैसेजेस मेरे पास थे। फिर उसने मेरे को फोन करके बोला कि जेनी क्या हो गया है, सोल बोल रहा है तुम सेक्सुअल हरासमेंट का केस करने वाली हो। मैंने कहा हाँ, तो बोले कि ऐसा ऐसा है। मैंने कहा देखो ना, मैंने उनको सिर्फ ड्राफ्ट भेजा है, ये बात को यहीं ख़त्म करूँगी। बिना मतलब कि मेरे पे बार बार चढ़ रहे हैं, मुझे दबा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उसने जेनी सीरियल का तो सोचा, मैंने कहा सीरियल का सोच रही थी इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और सीरियल भगवान की दया होगी तो चलता रहेगा। मेरी दुआ है सीरियल चलता रहे सालों साल। मेरा कुछ नहीं, 200 लोगों की रोजी रोटी चलती है इससे। मैं कोई नहीं थी सीरियल को बंद करने वाली, लेकिन मैं खुद ग्रेटफुल हूँ कि सीरियल में मैं काम करी इतने साल से, सब कुछ है। लेकिन ग्रैटिट्यूड अपनी जगह और फास्ट अपनी जगह। आप बार बार किसी को इतना दबाओगे ना, इतनी रस्सी जितनी खींचते हैं ना, रस्सी टूट जाती है।